हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। और आज हम लोग आए हैं दिल्ली से सीधे चोपता। हमारे ग्रुप में बेसिकली दो टीचर्स आए हुए हैं जो कल से बहुत ज्ञान देने में लगे हुए हैं। लेट मी टेल यू समथिंग मोर, एज आई एम अ राइट टीचर, सो बट नाइस से जज मत करना मुझे। गाइस, आप लोग आते हो ट्रैक पे ऐसे कूड़ा या फेंके जाते हो, बहुत गलत बात है यार। जोर से बोलो, खड़ा नहीं कहा जयकारो वीर वजंगी। और दिल्ली से कल रात हम निकले थे तो हमें अराउंड 12 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पहुँचने में लगे। और कल दिन में यहाँ पहुँचे थे, पहुँचने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके हमने स्नैक्स वगैरह लेके बोन फायर वगैरह करके सो गए थे। तो आज हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं चंद्रशिला के लिए। यहाँ से पहले तुंगनाथ जाएंगे और उसके बाद चंद्रशिला जाएंगे। और अभी हम अर्ली मॉर्निंग सारे लोग उठ गए हैं, अभी तो अराउंड 8:30 हो चुका है। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आगे का सीन। मैं रुका हूँ स्विस कैंप पे, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको एक अच्छा सा बेड मिलेगा और प्लस यहाँ पे अच्छा सा वॉशरूम भी आपको मिल जाता है, बट यहाँ पे अभी लाइट है नहीं। हाँ, अच्छा सा वॉशरूम मिल जाता है। तो यही फ़ायदा है स्विस कैंप में रहने का, सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। तो और अभी मैं अपना कर देता हूँ टेंट बंद और उसके बाद निकलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज लेट भी हो रहा है, सारे लोग वेट कर रहे हैं अपना। दिस इज आवर कैंप साइट, ये मेरा कैंप है। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, सो गाइस, ब्रेकफास्ट में पोहा एंड पराठे हैं, सो लेट्स ट्राई कैसा है। और मोहित, अभी हम कितने बजे निकलने वाले हैं? सो बेसिकली ही इज़ मोहित और ये हमें लीड कर रहा है। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया है और इस जगह का नाम है दुगल भट्टा, जहाँ पे हमारे कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। और अभी हम लोग सारे रेडी हो गए हैं, अब निकल रहे हैं सीधे ट्रैक के लिए। सो भैया, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। यहाँ पे राजेंद्र जी, किस मंथ में ज्यादा लोग आते हैं? अच्छा, यहाँ मई जून में। और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? अक्टूबर नवंबर में बर्फ मिलती होगी। बर्फ मिलती है तो अक्टूबर नवंबर फॉर, अगर आप लोगों को बर्फ में आना है, स्नो वगैरह देखनी है, तो अक्टूबर नवंबर इज बेस्ट। बट मई जून में ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए सही ऑप्शन है। जी, आप ही चलाते हो कैंप? नहीं, कैंप दूसरा भाई। अच्छा, सही है, बढ़िया। थैंक यू सर। सो गाइस, कैंप साइट से मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे रहता है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क रहती हैं। तो अगर आप आओगे तो आपको पार्किंग के लिए स्पेशली दिखना पड़ेगा। और बेटर ये कि आप सुबह जल्दी आ जाओ तो आपको पार्किंग का स्पेस भी मिल जाएगा और रश भी कम मिलेगा। और ये मेन गेट है मेरे जस्ट पीछे। सो गाइस, हम लोग हो गए रेडी और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जोर से बोलो, खड़ा नहीं कहा जयकारा वीर बजरंगी। चलो है नीचे मेन गेट, और वहाँ से जो स्टार्ट होता है रास्ता, वो सीमेंटेड रास्ता है। सो गाइस, ये जो ट्रैक है चंद्रशिला तक का, अराउंड 6 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जिसमें तीन साढ़े तीन किलोमीटर तक टेंपल आ जाता है। और उसके बाद 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चंद्रशिला का पीक समिट पड़ता है। तो जो टेंपल तक का रास्ता है वो ईजी है, ऐसा बता रहे हैं ट्रैक लीड। और उसके आगे चंद्रशिला जो है वो थोड़ा सा टफ है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कितनी मुश्किल होने वाली है इस ट्रैक में और कितना मज़ा आने वाला है। सो गाइस, मेरे साथ हमारे ग्रुप में बेसिकली दो टीचर्स आए हुए हैं जो कल से बहुत ज्ञान देने में लगे हुए हैं। दिस इज सोनिया। हाय सोनल।
So, कैसा लग रहा है ट्रैक अभी स्टार्टिंग में ही तुम थक गए हो? It feels very tough. Is it your first trek or? No, it's not first trek. We have done it earlier. Initially, her trek की starting ऐसे ही लगती है. Yeah. You feel like you will lose your breath and not be able to make it. Let's hope but for eventually the best. You are able to make it. Yeah. That's the best part. Cool. चलो चलते हैं फटाफट आगे की ओर. Guys, हम लोग पहला होल्ड ले रहे हैं यहाँ पे बिकॉज लोग थक गए और आप Hi, this is dietitian Priya. I'm so sorry, यार, I'm very much tired, as you can see. क्या कर रहे हैं? Where you from? Carbs, proteins, काम में नहीं आ रहे. Where you from? I'm from Delhi. Okay. Yeah, so अभी let me tell you something more, as I am a dietitian. So, but guys, इससे जज मत करना मुझे. अभी कोई carbs, protein ना काम में नहीं आ रहा. I'm strict. I'm so sorry. Guys, अब धीरे धीरे चढ़ते रहो ऊपर. तानिया ने भी ज्वाइन किया है इस ट्रिप में. तानिया कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया यार. आप लोग आते हो ट्रैक पे ऐसे कूड़ा यहाँ फेंक के जाते हो, बहुत गलत बात है यार. अगर कभी भी ट्रैक पे जा रहे हो तो ऐसे कूड़ा मत फेंक के जाया करो यार, प्लीज वापस लेके जाया करो. सो गाइस, इस ट्रैक को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने बहुत पहले प्लान किया था और somehow हो नहीं पा रहा था, प्लान बन नहीं पाया. तो मे बी इस बार भोलेनाथ का बुलावा आया है और लेट्स सी क्या होता है. एक्सपेक्टेशन तो है कि चंद्रशिला से अच्छा व्यू देखने को मिलेगा बिकॉज अभी मौसम क्लियर है, क्लाउड्स कम है. बट आई होप, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि सडनली बारिश हो जाती है, कुछ पता नहीं है वेदर का, इसलिए मैं रेनकोट भी कैरी कर रहा हूँ अपने साथ. और आज पहला दिन है तो हमने प्लान किया था कि पहले दिन हम चंद्रशिला और तुंगनाथ जाएंगे और नेक्स्ट डे हम जाएंगे देवरियो ताल. सो यहाँ पे जो तुंगनाथ टेम्पल है उसकी एक स्टोरी है जिसमें बोला जाता है कि जब पांडव ने कौरव को किल किया था, जब उनका युद्ध हुआ था महाभारत का, तो उनको ब्राह्मण हत्या का श्राप मिला था. तो उससे मुक्त होने के लिए वो शिव जी की तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए थे, उनको ढूंढने के लिए आए थे बेसिकली. तो जो ताल, देवरिया ताल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे माना जाता है कि भीम ने अपना अंगूठा रख के पानी निकाला था पीने के लिए. बेसिकली उनको जलते थे, प्यास लगती थी, तो इसलिए वहाँ पे वो ताल सा बन गया पूरा. मान्यता भी काफ़ी है यहाँ पे और दुनिया का सबसे ऊँचा शिवा टेम्पल है. और बाकी चलते हैं धीरे धीरे. Hi, this is Hitika and I'm from Rohtak, Haryana. Professionally, I'm an advocate. Right now, I am a tracker. और बस मजा आ रहा है ट्रैक में. मजा क्या जबरदस्त मजा आ रहा है. पहला ट्रैक है आपका, दूसरा ट्रैक है? My second track. My first track was Triund, but Triund is far more easier than that. अच्छा. क्योंकि ये स्टीप है, वो फ्लैट था. So guys, टेम्पल के लिए हालांकि रास्ता तो सीमेंटेड है बट कृतिका ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है. हम लोग शॉर्टकट्स लेके चल रहे हैं ट्रेन से, वो भी ठीक ठीक है, इतनी टफ भी नहीं है, ताकि जल्दी पहुंच जाएं और चंद्रशिला में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. So guys, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस में दुकानें हैं, आप लोग पानी वगैरह ले सकते हैं. और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको बुरास के फूल के बारे में, हालांकि वहाँ पे मुझे जूस नहीं मिल पाया था, बट लकीली मुझे यहाँ बुरास का जूस मिल गया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ. आई होप अच्छा हो और काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए. और अगर आप लोग आते हो तो जरूर यहाँ पे ट्राई करना, बढ़िया है. सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी है, प्लस अगर आप लोग ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे खच्चर वगैरह भी अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हैं. तीर्थ यात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है. अगर आप लोग सोचते हैं कि कैसे हो पाएगा इतना लंबा ट्रैक, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, आ सकते हैं. जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं और घोड़े खच्चर वगैरह भी मिल जाते हैं, प्लस दुकानें हैं तो आप लोग सामान भी खरीदेंगे, वाटर बोतल भी खरीदेंगे, यूज एंड थ्रो वाली बोतल्स भी खरीदेंगे. बट मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आप लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं या लेकर आते हैं घर से, कोई भी रैपर या कुछ भी प्लास्टिक यहाँ छोड़ के ना जाएँ, वापस लेके जाएँ रैपर्स वगैरह और बोतल्स वगैरह सारे बैग में रख के वापस ले जाएँ. सो गाइस, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते यहाँ से
फाइनली टेम्पल दिखने लगा है। एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है, हालांकि थोड़ा थक गया हूँ। एज यू कैन सी यहाँ से टेम्पल दिखने लगा है। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग तुंगनाथ टेम्पल।